हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आज रहा 10 मई, तो अपडेट के हवाले से बात करें सोजला पास के, तो यहाँ पे देख सकते पहले वेदर पर नज़र डालते हैं दोस्तों। पूरी तरह क्लियर मौसम और इंशाल्लाह आज मूवमेंट तो नहीं रहेगा इस रोड पर, बस सोजला में वेलांच हटाने का काम किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि कल दिन में बहुत सारे इंसिडेंट्स पेश आए थे और कई जगहों पर वेलांच भी आए थे, और जिस हिसाब से तकरीबन 6 से 8 इंच तक बर्फ जमा है, तो इस हिसाब से आज दिन में धूप निकलेगी और उस वजह से और भी एवलांचेस आ सकते हैं। तो क्या सीन रहेगा, अपडेट तो आपको मिलते रहेगा। बस सपोर्ट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल इतना ही, बाकी आपको मैं अपडेट दूंगा। ये मॉर्निंग टाइम का अपडेट रहा दोस्तों, मौसम क्लियर और बहुत सारे ट्रैफिक फंसे हुए हैं सोनमर्ग में और शायद सर मीनामर्ग साइड से भी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर मौसम ख़राब होने की वजह से कल काफ़ी टाइम तक यहाँ पर बर्फबारी हो रही थी, जबकि रात को काफ़ी टाइम तक रहा यहाँ पे स्नोफॉल कंटिन्यू। तो मैंने आपको अपडेट दे दिया था उसके भी। सो फिलहाल इतना ही दोस्तों, बाकी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो पर। तो पल पल के अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेगी जी नेक्स्ट वीडियो पर। बाकी आप यहाँ भी देख सकते हो दोस्तों, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है, यहाँ से चला गया था रात को भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन वो वहाँ पर रिटर्न वापस चला गया था। पानी माथा से जो भी यहाँ गाड़ी फंसे थे उनको जाना मुश्किल रहा, तो यहाँ पर रुके हुए हैं। इंशाल्लाह आज तो ट्रैफिक नहीं रहेगा, अगर छोड़ भी दिया तो मैं आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल कल रहेगा फिर ट्रैफिक मोमेंट, अगर हमें आज रोड क्लियर हुआ तो। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलेगी किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।